एक महात्मा के मन में एक दिन आए थे, जो आनंद ब्रह्म है लंबाई चौड़ाई में बढ़ाने, लंबाई चौड़ाई को स्वयं बुद्धि के उदय के साथ बनती, जहाँ बुद्धि की अभिव्यक्ति नहीं है वहाँ लंबाई चौड़ाई भी नहीं है। तो इस आनंद ब्रह्म को कुछ इसकी उम्र बढ़ाई जा सके ऐसा ही नहीं। अच्छा, वस्तु रूप से इसको कुछ बढ़ा दिया जाए तो वस्तु रूप से भी नहीं बढ़ सकता। महात्माओं ने कहा, भाई हमारे मन में जो बात आई कि आनंद को बढ़ाया जाए और पढ़ने के लिए देश काल वस्तु रूप से कोई गुंजाइश, कोई अवकाश, कोई अवसर नहीं है, फिर क्या किया जाए। उन्होंने कहा, एक नदी बह रही है, ऐसी नदी हो जो भरपूर हो परिपूर्ण हो, तो उसके स्वाद को तो नहीं बढ़ा सकता, पर यदि स्वाद लेने वाले बहुत हो जाए, आस्वादक यदि अनेक हो जाए, तो अनेक आस्वादक उसका आस्वादन कर करके जब तक पहुंचे तो जहां आस्वाद्य आस्वादक भाव के बिना आनंद एक रस था, वहां आस्वादकों की वृद्धि होने से वो प्रत्येक आस्वादक के हृदय में पूर्ण 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 रूप से अनावृत होकर के रहेगा। तो जितने हृदय होंगे उतने पूर्ण अनावृत आनंद का अनुभव हो। इसलिए आनंद तो नहीं बढ़ सकता, लेकिन उस पूर्ण आनंद का अनुभव करने वाले हृदय यदि बहुत हो, किसी से भक्तों ने कल्पना करी, ब्रह्मानंदो भवेदेश चेत परार्थ गुणी कृतः नैति भक्ति सुखाबोधे परमाणु कला होते। यदि ब्रह्मानंद को परार्थ गुणित कर दिया जाए, परार्थ सबसे अंतिम संख्या है व्यवहारिक, वैसे तो भक्तों ने असंख्य को भी एक संख्या माना है, क्योंकि असंख्य शब्द जो बनेगा वो संख्या की अपेक्षा से ही बनेगा। संख्या के अभाव को यदि असंख्य कहें तो संख्या से विलक्षण, असंख्य का प्रतियोगी तो संख्या रहेगी ही रहेगी। बोले आओ इस आनंद की प्रति आनंद आनंद प्रत्येक गोपी के हृदय में उसी परमानंद अनुभव होता है। परंतु गोपी ऐसी जो उस आनंद को न तो किसी दूसरे का आनंद समझती है कि परमात्मा के अतिरिक्त पूर्ण ब्रह्मानंद के सिवाय वो किसी दूसरे विषय से ही आनंद मिला है, और न तो उन्हें वो अपना ही आनंद मालूम पड़ता है। तो आनंद का जो भोक्तृत्व है वो अपने पास नहीं रखना चाहते हैं, ये उनकी विशेषता है। प्रेम का जहां वर्णन आता है वहां कहते हैं कि अपने सुख के लिए जो क्रियाकलाप होता है वो काम है, और अपने प्रियतम के सुख के लिए जो क्रियाकलाप है वो प्रेम है। जो हम अपने सुख स्वार्थ के लिए
काम करते हैं वो काम है, और जो अपने प्रियतम के सुख के लिए क्रियाकलाप करते हैं उसका नाम प्रेम। वैसे व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द जो है वो सकर्मक भी है, नकर्मक भी है, क्योंकि प्रियते जब बोलते हैं गांधी में तो वो अकर्मक ही धातु है, और जब प्रिय दर्पण वादी में प्रयति प्रयते बोलते हैं अथवा प्रीणाति बोलते हैं तो वो सकर्मक हो जाता है। तो प्रेम दूसरे से भी होता है और प्रेम अपने से भी होता है। इसका मतलब यही है कि प्रेम केवल अन्य से ही नहीं होता, स्वयं से भी प्रेम होता है, जैसा कि वेदांतों में प्रसिद्ध है, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। यह कर्म निर्विषय परम प्रेमास्पद परम प्रेम स्वरूप ये अपना आत्म ही है। अब भोगी क्या होती है कि ता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका दीक्ष्य। ये गोपी जो है ये ताहा गोपी रात्रि ही रसदात्री दीक्ष्य रा दाने रात्रि ही रसदात्री। ये गोपी कैसी है, कई रस को विषय से नहीं लेते हैं और स्वयं इस रस का उपभोग भी नहीं करते हैं, बल्कि वो जानती हैं कि ये जो हमारे अंदर रस है ये भगवान का है। इसलिए त्वदीयं वस्तु गोविंदं तत्रैव समर्पय। भगवत रस जो अपने हृदय में प्रस्फुरित हो रहा है वो भगवान के प्रति अर्पित करना, अर्थात उसको विषय जन्य अथवा अहंकाराश्रित न जानना, माने अपने में भोक्तृत्व की स्थापना न करना, ये गोपी पदार्थ है। यहाँ भगवान ता रात्रि दीक्ष ताहा गोपी ही जिन्हें वर दिया है, जाहा पूर्वम वरदाने में सत्कृता उपक्षित तत्वात न जब छत्ता की इच्छा करा। तो कैसे है कि रात्रि है, भगवान को सुख देने के लिए आई है, स्वयं भगवत रस से परिपूर्ण होकर भगवत रस ही है, अन्य रस तो है ही नहीं, हमारा आत्मरस भी नहीं है, भगवत रस ही है। इसलिए उसमें जो अहंता परिच्छिन्नता दृश्यता की भोग्यता की जो प्राप्ति थी उसका समर्पण करने के लिए उद्यत है, तो भगवान ने वीक्षण किया। भगवान की ताहा गोपी वीक्ष्य रात्रि वीक्ष्य शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्य। वीक्षण का अर्थ यह है कि जो उनमें जड़ता का संपर्क था, लेश था, उसको स्वदृष्टि से देख करके उन्होंने सच्चिदानंद घन रूप से ही जो मैं हूँ सो ये है सच्चिदानंद रूप से ही अनुभव किया। ईक्षण से सृष्टि होती है, ये तो सिद्ध है, यहाँ विशेष ईक्षण है, साधारण ईक्षण नहीं है। माने भगवान ने एक नवीन एक दिव्य एक सच्चिदानंदमय गोपियों को बना दिया माने अपने स्वरूपानुभूति से स्वरूप दृष्टि से उनकी आकृति भले गोपी की आकृति रही हो और कृष्ण की आकृति भले ही कृष्ण की आकृति रही हो, परंतु जो रस स्वरूप श्री कृष्ण है वही रस स्वरूप गोपिका है। और अब इसके लिए उन्होंने बताया कि
न केवल गोपियों के और न केवल उनके रस शास्त्रीत्व की बल्कि देश काल की भी सृष्टि कर दी, शरद ऋतु की भी सृष्टि कर दी और उत्फुल्ल मल्लिका की भी सृष्टि कर दी। माने समग्र वृंदावन को उन्होंने सच्चिदानंद घन रूप से ही अभिव्यक्त कर दिया और स्वयं दृष्टि करके, स्वयं वीक्षण करके, माने दृष्टि सृष्टि करके वो संपूर्ण वृंदावन जो है पुष्प वृक्ष लता और रात्रि गोपी सबको स्वरूप रूप से वीक्षण करके तब रंतुम मनश्चक्र रमण का संकल्प किया। तो संकल्प का वर्णन भी श्रुतियों में आ रही है। स एकाकी नारमत तथो द्वितीय असृजत पतिश्च पत्नी चा भवता, वही गोपी वही कृष्ण। इसका अर्थ यही है वही गोपी वही कृष्ण दो रूप में कैसे हो गया। ये हमारे पंडित लोग थे, श्लोक बोलते हैं कि इति स्वपादाम मुझे पान कौतुकी सर्वोपालक श्री मातनोत्सव। ये बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं वो मेरे चरणामृत का पान क्यों करते हैं। भगवान के मन में ये विचार हुआ, ममांगिराजी और रसम पिबंति के प्रीति स्वपादाम बुध पान कौतुकी। भगवान अपना मंगूठा पांव का लेके अपने मुंह में डाल लिया कि देखें इसमें क्या स्वाद है। तो स्वयं रस है, स्वयं रसिक है, स्वयं रस्य है। रस भी वही, रस भी वही, रसिक भी वही। इसलिए वीक्षण का, वीक्षण का अर्थ है जो कर्मजन्य सृष्टि है या ब्रह्म आदि के द्वारा निर्मित सृष्टि है अथवा जो अनादि प्रवाह से प्राकृत सृष्टि है, क्योंकि प्रकृति ही तो ब्रह्म का ही एक नाम है। ब्रह्म का नामांतर है प्रकृति प्रतिज्ञा दृष्टान्त अनुप्रोधा तदन अन्य आरम्भ शब्दा दिव्य आह चन मात्र। तो बोले प्रकृति वकृति कुछ नहीं, सब नहीं, विचरण तो मनश्चक्र का अर्थ है। कुछ प्रकृति नहीं, परमाणु नहीं, चित्त नहीं, शून्य नहीं, चार भूत नहीं, मैं वीक्ष्य। वो तो श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से इसके लिए शब्द है स्वामी जी आपके यद सामान्य विशेषाभ्याम उपलब्धि सब प्रमा। ये भागवत का श्लोक है बारहवें स्कंध के आत्यंतिक प्रलय के प्रसंग में। यद सामान्य विशेषाभ्याम उपलब्धि सब प्रमा, जो भी जाति और व्यक्ति के रूप में उपलब्ध होता है वो सब ब्रह्म है। इसी से छठे स्कंध में श्लोक है भागवत के, देह देह विभाग हो या अविवेक कृतम पुरा, जाति व्यक्ति विभाग हो यथा वस्तु निकल्पिता। जैसे एक ही मृतिका में घट और घटक दोनों कल्पित हैं, इसी प्रकार देह देही विभाग जो है घट और घटक के समान ही, ये देह है ये देही है, ये आत्मा है और ये दृश्य है, ये दृश्य है ये दृष्टा है, ये चेतन है ये जड़ है, ये विभाग भी परम वस्तु में कल्पित ही है। न दृष्टा दृश्य का विभाग है, न जड़ चेतन का विभाग है और न देह देही का विभाग है, एक अखंड वस्तु अद्वितीय ही है। इसलिए वीक्ष्य का अर्थ ये है कि जो कर्म मूलक वीक्षण है, अनादि प्रवाहरूप वीक्षण है, वैसा वीक्षण ये नहीं है। ये तो स्वतंत्र स्वच्छंद भगवान में भगवान का ही वीक्षण है। तो रंतु मनश्चक्र रमण के लिए संकल्प किया, मन संकल्पम
चक्रे कृतवान। भगवान ने संकल्प किया, पर हमारे विशेष टीकाकारों ने कहा कि जब गोपियां दिव्य हैं, रात्रि दिव्य है, देश दिव्य है, काल दिव्य है, लता वृक्ष दिव्य है, तो वहाँ मन का क्या मतलब। इसलिए मन कर्म भूतम चक्रे कृतवान, वहाँ मन का भी निर्माण किया, नवीन मन जो जड़ वस्तु क्षेत्र रूप जो मन है सो मन नहीं है, तब जड़ चंद्राधिष्ठात्रित जो मन है सो मन नहीं है, और जो जीवों के हृदय में अध्यात्म रूप मन होता है, जीवों के हृदय में अध्यात्म रूप मन होता है सो भगवान का मन अध्यात्म रूप नहीं है। और भगवान का मन चंद्र जिसका अधिदेवता है वो मन भी नहीं है, और मन का जो अधिभूत रूप है अन्नादि सो भी भगवान का मन नहीं है। दिव्य मन का उन्होंने एक नवीन मन का निर्माण किया, और फिर योग माया मुकाश्रित भगवान अधि योग माया मुकाश्रित योग मायाश्रयो भी भगवान का अर्थ योग मायाश्रयो भी योग माया उपाश्रित अभी शब्द का अर्थ है यद्यपि वे योग माया के आश्रय हैं। योग माया अचिंत शक्ति है, भगवान की जो अचिंत शक्ति है वो तो देहाभिमानी पुरुष देह में बैठ करके और अपने आसपास दिखने वाला जो प्रपंच है इसके कारण के रूप से भगवान में माया शक्ति का आरोप करता है। ये केवल देहाभिमानी ही भगवान में माया अविद्या शक्ति आदि का अध्यारोप करते हैं, वस्तुतः परमात्मा के स्वरूप का जो अनुभव है उसमें माया माया का संपात छाया छाया न विद्यते। तो ये जो योग माया है भगवान की ये भी वीक्षित ही है, योग माया वीक्ष्य काम उपासक एक सच्चिदानंद घनमयी योग माया का वीक्षण किया और उसका आश्रय लेकर रंतु मनुष्य। तो भगवान अभी राधा सहायो है, भगवान शब्दकार हुआ कि जब श्री राधा रानी उनके साथ है तब भी संसार के और जीवों पर करुणा करके योगाय संयोगाय स्व संयोगाय जा माया तामुपाश्रितः अपने संयोग के लिए उन्होंने ये माया का आश्रय लेकर के रासलीला की। ओम शांति।